कुछ दिख नहीं रहा है आगे, इतना धुंधला है। वेलकम टू थिम्पू सिटी, फाइनली वी हैव रीच्ड थिम्पू सिटी। Day 2. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Jaur and you are at my channel Jaur Rover. This vlog is all about our Bhutan ride. तो भूटान राइड पे हम लोग क्या क्या करेंगे वो दिखाने वाले हैं। एंड इट्स एन मोटो ब्लॉगिंग चैनल। इफ़ यू डिडेंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जो जो पहली बार देख रहे हैं ये ब्लॉग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इज़ द डे टू ऑफ आवर राइड। राइट नाउ वी आर एट जोहेगांव, इधर पे हम लोग अपना बाइक्स पे बैग लगा रहा है। भाई जी मेरा हेल्प कर रहा है बैग लगाने पे। एंड क्या हुआ कल का ब्लॉग के बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो हमारा एक कोशिश रहेगा कि हम लोग आज थिम्पू कवर कर पाए, क्योंकि कल फिर थिम्पू से ऊपर जाना है, उसके बाद पारो भी जाना है। बहुत सारा प्लेस है हमको कवर करना है 7 दिन में। एंड कल क्या हुआ, कल मेरा ब्लॉग थोड़ा डिलीट हो गया था। मतलब ट्रांसफ़र करते समय जो मैंने ब्लॉग किया था अंदर या भूटान घुस के, बहुत सारा ब्लॉग मेरे हाथ से डिलीट हो गया था, गलती से डिलीट हो गया था। जैसे कि मैंने पहले बोला कि मेरा थोड़ा बहुत वीडियो डिलीट हो चुका है। ये रहा वेरोनिका, मैंने एक शेडल बैग लिया एंड एक बैक पैक, और मेरा गोप्रो 5 का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए 7 से ही करूँगा। एंड भाई जी का ये सामान, मतलब ए टेडी, पता नहीं किसने दिया। एंड इसके एक ही बैग लिया, बहुत हंस रहे भाई किसने दिया ये दिया है। हाँ बोलो ना भाई, स्पेशल पर्सन। और स्पेशल पर्सन, अच्छा मेरा मोबाइल माउंट नहीं है। एंड ये रहा जोनास का बाइक, जोनास चला रहा है FZ। एंड ये रहा ओरूप का बाइक, एंड वो भी एक बैग ही कैरी कर रहा है। एंड दिस इज, आपका नाम क्या है भाई, कटेगा तो नहीं? ये दोनों बहुत शोर मचा रहा है, जब भी मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ये दोनों शोर मचा रहे हैं। तो ऑल राइट गाइस, नाउ वी विल मूव टू द इमिग्रेशन ऑफिस, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफिस ऑफ भूटान। उधर पे हमको हमारा बाइक का पास मिलेगा, उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, मतलब थिम्पू की ओर। तो चलिए तो प्लान में थोड़ा सा चेंजेस है। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे एंड इधर है सरप्राइज भाई, जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ आया है। मतलब जगह हो तो अब क्या यस फुल स्लिंग था कल गए थे कल गए और ये रहा होटल जहाँ पे हम लोग कह रहे थे, पीछे जो आपको दिख रहा है ये रहा होटल। एंड इधर का चार्जेस भी बहुत कम है, लाइक 400 पर रूम। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं राइड पे खाना पहले। तो हम लोग निकल रहे हैं होटल से। ओ भाई भाई, ये रहा सरप्राइज भाई का गाड़ी जो कल रात यहीं पे थे। इधर पे पार्किंग मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो लेट्स एंटर द फुल शिलिंग। वेलकम टू द रोड गाइस, एंड नाउ वी आर एट फुल शिलोंग भूटान। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट पास बनाने के लिए। कल हम लोगों को थिम्पू का पास मिल चुका था, ह्यूमन पास। तो आज हम लोग अभी बनाएंगे इस बाइक का पास। 2 hours later. All right, guys. So finally, we have got the pass for bike. Hey, Jonas, apna pass dikha raha hai. This is the pass of our bike. 7 days hai, 6 days. ये 21 तक है. तो अभी हम लोग थिम्पू जाएंगे. बहुत ही struggle के बाद ये pass मिला. और इधर पे पास बनाना कोई झंझट नहीं है, खुद ही बना लो मैं कहूँगा। और पास बनाने के लिए क्या चाहिए मैं अभी बोल रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो पास का पूरा झंझट गया। अभी हम लोग जाएंगे थिम्पू डायरेक्टली इधर से। सुना है 2 चेकिंग पड़ता है रोड पे, तो आगे जाके देखते हैं। एंड फ्यूल भी डालना है अंदर, ये क्या पार्किंग का रसीद। ओके गाइस, तो अभी फ्यूल अप का टाइम है। इधर पे पेट्रोल का प्राइस है 60.96, इंडिया से 20 रुपये कम या फिर 15 रुपीज़, जो भी हो। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप भूटान आ रहे हैं तो फुल। हाँ, तो आपको पहले चाहिए एक पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी का जेरोक्स, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और आपका होटल का भाउचर चाहिए जहाँ पे आप रहने वाला है। पहले वो बुकिंग कर लो, उसका भाउचर चाहिए, वो ज़रूरी है, वो करना ही पड़ेगा। और आपका टूर प्लान चाहिए, आप कहाँ कहाँ जा रहे हो उसका पूरा टूर प्लान चाहिए। ये सब चीज़ों से
आपका ह्यूमन पास मिल जाएगा। और बाइक के लिए चाहिए इंश्योरेंस पॉल्यूशन, यस पॉल्यूशन मस्ट एंड आरसी का जेरोक्स, तो हो जाएगा इन तीन चीज़ों से आपका हो जाएगा। और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए भाई। तो आपको भूटान आने के लिए ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए, एंड प्लीज़ डू ब्रिंग द ओरिजिनल एंड जेरोक्स भी करके लेके आइए। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप पास बना रहे हो तो खुद ही बना लो, बहुत ही ईजी है। जो इमिग्रेशन ऑफिस है उसके ऑपोजिट पे एक पीसी है, वहाँ से फॉर्म ले लो, फिलअप करके जस्ट क्यू में खड़े होकर अपना काम कर लो, और कोई नहीं, वो लोग खुद बता देगा। किसी के चक्कर में मत पड़ो, खुद ही बना लो। ट्रांसपोर्ट ऑफिस में भी सेम है, हालांकि मैं नहीं गया, खुद अरूप गया, बट बोल रहा था सेम है, सब बहुत ईजी है, बस डरो मत, दूसरे को मत दो। और इमिग्रेशन ऑफिस पर बहुत लंबा क्यू होता है, सो गाइस ट्राई टू कम एट वेरी अर्ली मॉर्निंग फॉर द पास, डोंट बी लेट। After the fuel up, now we are really heading towards Bhutan, and I am very excited about, yes, Bhutan finally inside the Thimphu. तो कैसे जाता है हमारा राइड गाइस, देखते रहिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो हियर वी हैव रीच्ड द फर्स्ट चेक पॉइंट, आई गेस यस इज द चेक पॉइंट। इधर पे हमारा कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, तो इधर पे ही पार्क करते, कोई बोलता भी नहीं है आके, गर्मी भी बहुत है यार। 12 seconds later. ओके गाइस, तो यहाँ पे चेकिंग होता है अपना बाइक का परमिट का एंड इंसान के परमिट का चेकिंग। वो लोग कुछ सील वगैरह डाल लेते हैं उसके अंदर, और एक पुलिस वाला ने बोला आफ्टर 90 किलोमीटर विल गेट अनदर चेक पॉइंट, जहाँ पे हमको ये शो करना है। उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे थिम्पू, जो कि इधर से लगभग 140 किलोमीटर है। सो लेट्स मूव। भाइयों और बहनों, इधर पे वेदर चेंज हो गया, वाओ, इन बिटवीन द क्लाउड्स नाउ, लगता है बारिश होने वाला है आगे, बट क्लाउड्स रहेगा तो गर्मी नहीं लगेगा भाई, बहुत ही अच्छा वेदर है अभी, वाओ, कुछ देख नहीं सकता राइट साइड पे, क्लाउड्स आगे दिखाई नहीं दे रहा है भाई, यार बारिश गिर रहा है इधर अभी, दो तीन ड्रॉप गिरा मेरे हेलमेट पे। The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to. कुछ दिख नहीं रहा है आगे, इतना धुल्ला है। भाई जी को मैंने ओवरटेक कर लिया, उसको थोड़ा तकलीफ हो रहा था शायद, बहुत ही स्लो कर दिया था, 10 स्पीड पे लीड कर रहा था भाई जी, बट मैं आगे आ गया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरा इससे निपटना। रोड का उस साइड भी नहीं दिख रहा है ठीक तरह से, मैं तो ये जो वाइट लाइन है, वाइट लाइन देख के चला रहा हूँ। ये रहा बड़ा सा ट्रक यार, बहुत ही ठंड है यार, अभी ठंड लग रहा है बहुत, नीचे बहुत गर्मी लग रहा था, इधर पे इतना ठंड, अचानक से वेदर चेंज, बहुत ठंड है भाई, एंड थोड़ा थोड़ा मतलब क्या गिर रहा था मालूम नहीं, स्नोफॉल की तरह, अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, ज़्यादा ना आ जाए बारिश, आगे सन मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं, विंटर ग्लोव पहन ही लेते हैं हम लोग, अच्छा होगा। ऑल राइट गाइस, तो एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि विंटर ग्लोव्स मैंने उतार दिया था गर्मी की वजह से, अभी फिर से पहन लिया, बहुत ठंड है, एंड आफ्टर सम टाइम वी विल डू लंच। अभी टाइम हुआ है 2:30 एंड हमें कवर करना है लगभग 110 किलोमीटर। फिर से फॉग शुरू, छोटा सा एक बाजार बोल सकते हो आप, उसमें फॉग नहीं था, फिर से फॉग शुरू। ओके गाइस, तो ब्रेक के लिए रुके, मतलब अभी हम लंच करेंगे, एंड टाइम इज 3 ऑलरेडी, 3:10 एंड लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू, बहुत ठंड है, हवा बहुत जोर से चल रहा है इधर पे, और लगता है नीचे देखकर बारिश आ रहा है, लेकिन इधर सन का आशा किरण, उम्मीद का किरण दिख रहा है। सो नाउ वी विल गो इनसाइड टू द रेस्ट ऑफ।
कप ऑफ ए कॉफी। और गुस्से में हो क्या, कुछ बोल नहीं रहे हो? और उसको खाना कम मिला इसलिए गुस्सा कर रहा है। हाँ, उसको खाना बहुत कम मिला है इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। छोले क्या मिला? छोले या क्या? अरे मटन रोटी अच्छा था, बहुत टेस्टी। हाँ बहुत टेस्टी था, लेकिन दाल कैसा था वो भी उसके बारे में। दाल वाइट कॉफी अच्छा है। तो जोनास इधर से लगभग तेरे हिसाब से कितना टाइम लगेगा? मेरे हिसाब से तो 71 किलोमीटर है। तो अभी 3:30-3:45 हो गया, तो 6 बजेंगे। हम लोगों ने एक साथ एक भी फोटो नहीं लिया। और भूटान वाला दूसरे को मतलब गेट पे खींचा था, वो गलत हो गया ये वाला फोटो। इसका टाइम नहीं है किसे, कुछ वाला नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी चलते। All right guys, after the lunch, now the time is 4:10 and we have to cover more than 70 kilometers for Thimphu. So guys, chalte hai, dheere dheere. Here is the second checkpoint where our documents will be checked again by Bhutan police. 12 seconds later. So idhar pe hamara pass and gari ka permit fir se check kiya gaya. According to the board, Thimphu is 68 km and हम लोगों को कवर करना है 68 km within 2 hours. नहीं तो sound down हो जाएगा। दो घंटे में sound down होने वाला है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि sound down हो जाएगा। हमारा तो फितरत ही है कि हम late चले। Look at the view guys, the hills and the road and सामने का view भी बहुत अच्छा है। जोनास तो इधर बोलेगा कि photo लेंगे। क्या view है यार, इधर पे बाइक पार्क करके फोटो खींच सकते हैं ना। हाँ आगे खींच लेते हैं इधर पे, या फिर आने के टाइम पे पत्थर को काट के रास्ता बनाया है इधर। इधर पे सब धीरे चला रहा है, व्यू का मजा लेते हुए। तो लेफ्ट से जाता है पारो एंड सीधा थिम्पू। यहाँ से 37 किलोमीटर और है, बट नॉट दैट हिल्स, द रोड इज़ वेरी नाइस नाउ। एंड अभी क्या है, थोड़ा प्लेन लग रहा है, इधर पूछना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, शुड वी नीड टू शो एनी पेपर्स यार? ओके थैंक यू। यस, पेपर्स के बारे में पूछना ज़रूरी है, पता नहीं कहाँ शो करना पड़ता है। एक अगर सील वगैरह मिस हो गया तो बाद में जाकर बहुत ही तकलीफ देगा हमको। शाम हो रहा है धीरे धीरे, रात में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो अभी क्यों ना थोड़ा सा पेच पकड़ ले। वेलकम टू थिम्पू सिटी, फाइनली वी हैव रीच्ड थिम्पू सिटी। ये रहा एंट्री गेट, वी एंटर थिम्पू। तो अभी पता नहीं कहाँ से शुरू करें, मतलब सिटी कहाँ से शुरू होता है। गेट तो वेलकम कर दिया हम लोगों को, अभी भाई जी को बोलना पड़ेगा धीरे चलाने को, क्योंकि इधर पे स्पीड लिमिट 50 है ओनली, हाईवे हो तो क्या हुआ। इधर पे 9 किलोमीटर है सिटी के लिए, शायद इधर पे लिखा हुआ है थिम्पू 9 किलोमीटर, तो वी हैव टू मूव मोर। ब्यूटीफुल, मालूम है ना भाई जी GPS है आज के लिए। भाई जी को रुकने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा होटल कौन सा है ये पता करना ज़रूरी है अभी। तो इधर पे रुक के होटल देख लेते हैं कौन सा होटल है।
ऑलराइट गाइस, तो हम लोग थिम्पू पहुंच चुके हैं एंड जोनस आगे लीड पे गया है, भाई जी को पीछे दिया क्योंकि अभी मालूम है ना जोनस जीपीएस है, अभी मेरा और अरूप का जीपीएस नहीं है। ए वाला माउंट टूट गया मेरा आने के वक्त, तकलीफ होता है अगर ए ना रहे। अगर आप अनजान जगह पे जा रहे हो, गूगल लेडी बात ना कर रहे हो आपसे, तो तकलीफ़ होता है, जैसे मेरे जैसे लोगों को ज़्यादा होता है तकलीफ़। तो क्या है, गूगल लेडी जोनास के साथ बात कर रहे हैं और भाई जी के साथ बात कर रहे हैं, और भाई जी चाहता है कि उससे हमेशा लड़कियां बात ही करें। काफ़ी शानदार सिटी है यार, बहुत क्लीन, बहुत क्लीन थिम्पू का सिटी, बहुत क्लीन है भाई। ओके गाइस, लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। क्या हुआ, आते वक्त मुझे राइट टर्न लेना था, मैंने ले ही लिया और सीधा आ गया, मतलब जोनास को फॉलो कर रहा था, बट एक टाइम पे मैंने उसको ओवरटेक कर दिया जहाँ पे टर्न लेना था। तो वो लोग टर्न ले चुके हैं, वो लोग आ रहा है, बट उसके पास जीपीएस है लेकिन मैं पहले होटल के सामने पहुँच गया, वो लोग अभी भी आ रहा है। तो देखते हैं कितने देर में आते हैं, क्योंकि वो दूसरा रूट से आ रहा है और मैं ही सीधा आ गया बिना जीपीएस के। पास में आके जीपीएस चला के पता चला मैं होटल के सामने हूँ, एकदम सामने 100 फीट। ऑलराइट गाइस, नाउ आई हैव रीच्ड द होटल। अभी होटल पे हूँ, खाने के काउंटर पे। इधर पे मैंने मुर्गी वगैरह डिनर के लिए ऑर्डर किया है एंड सब लोग ऊपर से आ रहे हैं, मतलब मार्शल जोनास, तो मुझे ऑर्डर करने के लिए भेज दिया। एंड इधर पे थोड़ा रिलैक्स करके आज सो जाएंगे, टायर्ड है, कल थिम्पू पे ही रहेंगे एंड पुनाखा का प्लान तो रूम में जाके प्लान करेंगे। एंड राइड बहुत अच्छा गया आज का, ख़राब नहीं गया बोलूँगा। एंड द ऑसम व्यू यार, आओ कभी भूटान पे और खुद ही मजा लो, बाइक लेके आओ तो ज़्यादा मजा कर सकोगे। एंड आई लाइक टू शेयर, द पीपल आर वेरी नाइस यार। सो गाइस, और एक बात बोलना चाहता हूँ, आज का ब्लॉग इतना ही, कल का ब्लॉग में आएगा थिम्पू सिटी या फिर पुनाखा वाला व्यू, जो भी हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। एंड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय, गुड नाइट। इधर पे बड़ा टेंशन आ गया भाई जी का, जो ये पाइप है ब्रेकर जा जाता है, लीक हो गया है वो, अभी करे तो करे क्या है?